नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यह मामला कानपुर देहात के अमरौधा ब्लॉक परिसर का है, जहां पर आज प्रधान पद के प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह वितरित किए जा रहे हैं। तो वहीं पर प्रत्याशियों ने जमकर लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाई है। कहीं बिना मास्क के तो कहीं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए पूरे प्रदेश में 35 घंटे का वृहद लॉकडाउन का आह्वान किया था, लेकिन पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों ने लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। तभी वह उपस्थित भोगनीपुर कोतवाली पुलिस पत्रकार का कैमरा चलता देख एक्शन मोड पे आ गई। साथ ही प्रत्याशियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने लगी थी, जबकि उससे पहले पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई पूरा नजारा देख रही थी। आपको बता दें कि ये देश का दुर्भाग्य है, जहां देश में कोरोना से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, वहीं कुर्सी के लिए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, तथा वहीं शासन प्रशासन के अधिकारी भी नजरअंदाज करते हुए कोरोना को खुली दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।